नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। 11 मई 2023 बड़े गुरुवार के दिन करें एक दीपक दो लौंग का महाउपाय, आपके जीवन का हर दुख हो जाएगा तुरंत ही खत्म। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में खींचा हुआ चला आएगा धन। दोस्तों, 11 मई को ज्येष्ठ महीने का पहला पर्व है। गुरुवार का मतलब होता है भगवान विष्णु जी का वार। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक दीपक और दो लौंग के एक ऐसे शक्तिशाली उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके बंद किस्मत के दरवाजे को खोल सकती है। दोस्तों, संसार में हर मानव यही चाहता है कि उस मानव को माता लक्ष्मी जी की कृपा मिले, माता लक्ष्मी जी उसके घर पर वास करने आए। परंतु माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे करना, यह कोई भी नहीं है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस मानव को भी भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाता है वहां पर माता लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहती है। आज आपको आप इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि 11 मई 2023 वैशाख महीने के पहले बृहस्पतिवार के दिन अगर आप एक दीपक दो लौंग का उपाय करते हैं सही मुहूर्त पर तो कैसे आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कैसे जीवन में आपके जो भी संबंधित परेशानियां होंगी वो एक दिन के दो चार मिनट के उपाय से हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। देखिए दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर मानव पैसा कसम जा सकता है, परंतु हमारे भारत वर्ष में केवल 22% लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा है कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ी पर पैसे पर राज करेगी। बाकी बचे हुए प्रतिशत लोगों में से 10 से 12 लोग उपाय करके अपनी किस्मत को अपने रूप बना लेते हैं, बाकी जितने भी लोग होते हैं वो जीवन में का शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप जीवन में निराशा का शिकार ना हो तो शास्त्रों के बताए गए एक ऐसे उपाय को कर लीजिए जो सिर्फ आप ज्येष्ठ महीने के पहले बृहस्पतिवार के दिन अगर करते हैं सही मुहूर्त पर तो मान के चलिए भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में आपके राहु केतु आपके ग्रह आप तारे आपके साथ देना चालू कर देंगे, जिसके बाद आप जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। दूसरी तरफ इसी उपाय से आपको माता लक्ष्मी जी की वो कृपा मिलेगी जिसके बाद आप मान के चलिए दोस्तों आपके जीवन में वर्षा होगी। आपके जीवन में आप आर्थिक समस्याओं में फंसे हुए थे, वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में ध्यान चारों दिशा से खींचा हुआ चला आएगा। एक बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं या आप अपना इष्ट देवता उनको मानते हैं तो कभी भी आपको भगवान विष्णु जी की पूजा को सिद्ध करने के लिए कम से कम 12 से 15 बृहस्पतिवार पूजा करनी होती है। परंतु अगर आप ज्येष्ठ महीने के पहले बृहस्पतिवार के दिन कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं तुरंत ही सिद्ध हो जाती है, क्योंकि महीना हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र महीना समझा जाता है और ये पूरा भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इसीलिए महीने के पहले बृहस्पतिवार को महाबृहस्पतिवार कहा जाता है और कई तांत्रिक कई पुजारी लोग तो इसी दिन का इंतजार करते हैं पूरे साल भर से, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन कोई भी मानव अगर थोड़े से भी उपाय करता है उस मानव को उस उपाय का करोड़ों गुना लाभ पलट करके मिलता है। तो अगर आप अपने जीवन का 2-4-5 मिनट निकाल करके वैशाख महीने पहले बृहस्पति मतलब 19 मई 2023 के दिन यह उपाय कर लेते हैं जो एक दीपक और दो लौंग का महा उपाय है तो मान के चलिए दोस्तों भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के दुहक दर्द गरीबी परेशानी सब खत्म हो जाएंगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। इसीलिए अगर चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाए और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो तो पूरे सच्चे मन और पूरी सच्ची श्रद्धा से पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जय माता लक्ष्मी जी की। और दोस्तों एक कीजिएगा, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय हमको पता चलता है जो महीने के पहले बृहस्पतिवार के दिन आप करके कोई भी लाभ पा सकते हैं वो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में आपको बता देंगे। इससे सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा।
चलिए दोस्तों, आपको हम उपाय के बारे में बताते हैं। परंतु इतना ध्यान रखिएगा, ये जितने भी आपको हम 2, 4, 5 बताने वाले हैं, इन उपायों को करने की एक मुहूर्त होती है। मुहूर्त पर अगर आपने उपायों को कर लिया तो दोस्तों ये बात तो हम आपको लिख के दे सकते हैं कि यह उपाय कभी भी विफल नहीं होंगे। इन उपायों का आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो बस आपको यह करना है, सबसे पहला उपाय जो है दोस्तों वह है कर्ज मुक्ति का महाउपाय, धन प्राप्ति का महाउपाय। यह उपाय अगर आपने कर लिया तो मान लीजिए आप अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं में फंसे हुए हैं, आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, पैसा आ भी रहा है तो टिक नहीं रहा है, या आपने कर्जा लिया हुआ है तो आप कर्ज के में फंसते हुए चले जाते हैं। ये सरल सा उपाय कर लीजिए, आपको तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, 2 साबुत लौंग ले लीजिए। साबुत लौंग का मतलब यह होता है फूल वाली लौंग, के दम फूल होनी चाहिए, उन लौंगों पर वाली लौंग लीजिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। 2 साबुत लौंग ले लीजिए। अब आपको एक दीपक लेना है, दीपक में आपको क्या डालना है ध्यान से सुनिएगा, गाय के दूध से बना हुआ घी डालिए, 4 बाती वाला दीपक ले लीजिए और दीपक के अंदर जो बाती आप लगाएंगे वो लाल रंग की होनी चाहिए। अब आपके घर का जो भी पूजा करो वहाँ पर आपको बैठना है, यह उपाय आपको घर की पूजा घर पर करना है और यह उपाय करने के आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आता है। घर के पूजा घर पर बैठिए, आपको घर पे जो माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, भगवान जी की कला चित्र है, उसके सामने आपको बैठना है। और मान लीजिए कला चित्र नहीं है तो कला चित्र खरीद कर ले आइएगा महीने के पहले बृहस्पतिवार के दिन, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र घर पर स्थापित करना बहुत ही। अब ये कला चित्र के सामने आपको एक दीपक रखना है, सबसे पहले आप दीपक को जला दीजिए। दीपक को जलाने के बाद उसमें आपको एक लौंग डालना है, पहली लौंग आपने डाल दी, पहली लौंग डालने दूसरी लौंग को लीजिए, माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच में उस लौंग को रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको माता लक्ष्मी जी का 20 मंत्र बोलना है, वह है ओम, फिर से पीट कर दे रहे हैं दोस्तों। इस 20 मंत्र का जाप आपको 21 बार से ज्यादा करना है। अब आपने यहां कर लिया, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ करना है दोस्तों कि जो दूसरी लौंग आपने माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच रखी थी उस लौंग को उठाइए। अब उस लौंग से आप हर परेशानी बोल दीजिए। अब आपको एक लाल पेपर लेना है या लाल कपड़ा लेना है, उसी पेपर या कपड़े पर को इस लौंग को रखकर इस पूरे कपड़े या पेपर को मौली धागे से बांध देना है। अब आपको बस यही करना है कि जिस कमरे में आप अपना ज्यादा समय बिताते हैं उस कमरे में अगले साल मतलब 2024 तक के ज्येष्ठ बृहस्पतिवार के दिन तक के लिए आपको इसी कपड़े या पेपर को रख देना है, बस इतना आपको करना है। अब से क्या होगा, इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके आर्थिक समस्याएं तो खत्म होंगी ही होंगी। अगर आपने कर्जा लिया था, कर्ज के बाजार में फंसे हुए चले जाते हैं, वह परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यह पहला उपाय था। अब दूसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं, यह भगवान विष्णु जी की कृपा हासिल करने का महाउपाय है और यह उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आपके राह केतु अच्छे हो जाएंगे। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपके ग्रह तारों, आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही विकास करेंगे और बहुत ही आगे जाएंगे। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आपको 11 मई 2023 माह बृहस्पतिवार के दिन शाम को नहाना है, धोना है। 8 बजे की मुहूर्त के बाद आपको घर के किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना है। किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाने से पहले एक दीपक ले लीजिएगा जिसमें गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए, 5 लौंग ले लीजिएगा। अब आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है, पीपल के पेड़ के पास आपको सबसे पहले एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद उसमें एक लौंग डाल दीजिए, एक लौंग डालने के बाद आपको वो जो 4 लौंग बची हुई है इनको पूर्व दिशा में बहा दीजिए। अब आपको पीपल पेड़ की 3 परिक्रमा करनी है, 3 परिक्रमा वक्त आप भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट करते रह रहे हैं।
दोस्तों ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस 20 मंत्र का जाप कीजिए और अपने घर पर आ जाइए। बस इतना उपाय आपको करना है, इतना उपाय। अगर आपने कर लिया तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे, आपके का ग्रह आपका साथ देंगे और आप जो भी ऋण में जीवन में लेंगे उस निर्णय से आपको सिर्फ फायदा ही फायदा पहुंचेगा। आखिरी उपाय जो आपको बताने वाले हैं, यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में धन सुख समृद्धि वैभव की आपको प्राप्ति होगी। एक लाल कपड़ा लीजिए, एक लाल कपड़े को आपको लेना है। लाल कपड़े पर एक मुट्ठी चावल, काली मिर्च, एक रुपए का सिक्का, एक इलायची रख लीजिए और इस लाल कपड़े को आपको किसी मोले धागे से बांध देना है। यह आपको बृहस्पतिवार की रात को करना है। अब आपके घर की जो झाड़ू होती है, ध्यान रखिएगा, झाड़ू जो होता है वो लक्ष्मी माता जी का चिन्ह समझा जाता है। झाड़ू के नीचे इस पोटली को रख दीजिए। पोटली को रखने के बाद आपको बहुत ध्यान से सुनना है जो हम बताने वाले हैं। इस पोटली को रखने के बाद गुरुवार की रात को 9 बजे के बाद इसी पोटली को उठाना है। अपनी अलमारी में तिजोरी या व्यापारी तो व्यापार पर रख देना। अब इससे होगा ये, दोस्तों की माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से आएगा। आपके पास इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद।